पूरा एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है। खाली बॉडी बनाना पड़ेगा, बॉडी बनने का सिक्स स्टेप आएगा तो अच्छा रहेगा। बी अर्धरंग अगला, इन्होंने पूरा खत्म कर दिया ट्रिक, यू कैन पूरा खत्म कर दिया इन्होंने, इतना पिया। दोस्तों आज मैं आपको क्रोएशिया के एक आइलैंड जिसका नाम है वोडिस लेके चलता हूँ। इस सफर में मेरे साथ बहुत दोस्त भी है और मेरे भाई। तो सफर शुरू होता है डेनिलो प्रोविंस है और पहले हम लोग जाएंगे सिबेनिक बस स्टेशन, जहाँ से हमें फेरी करके जाना है वोडिस। दोस्तों वोडिस आप बस से भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सिबेनिक या इसके आसपास के इलाके में हैं तो आप जरूर इस जगह को विजिट करें, ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले जो है कि पार्किंग करना है, पार्किंग करने के बाद फिर हम लोग को जाने का है क्रूज में, क्रूज से जाने वाले हैं एक छोटा सा आइलैंड में। फाइनली कार अभी पार्क हो चुकी है अपनी और हम लोग जाने वाले हैं क्रूज में। ये देखो ऐसा नज़ारा है दिन का, धूप तो बहुत कड़क है, जो मौसम बहुत साफ है, क्लियर एकदम। चलो पार्किंग करवाते हैं फिर बताते हैं आपको। भाई जा रहे क्रूज में अभी फर्स्ट क्लास मजा करने के लिए। जिसको ड्रिंक्स लेने का तो उन्होंने ड्रिंक्स ले लिया, हमने सॉफ्ट ड्रिंक लिया और अभी एकदम जा रहे हैं मजा मारने के लिए। दोस्तों मैं एक आइलैंड में जा रहा हूँ, बट ये है कि जो भी नाम मैं बताऊंगा आपको आगे, मैंने सिबेनिक जो बीच था वहाँ से ये कुछ दिया। इसका कॉस्ट मुझे पता नहीं कितना है, मेरे पास टिकट है, मैं चेक कर लूँगा। ये सारा जो एक्सपेंसेस है मेरे फाइनेंस का है, इसका मे भी कितना है, 3 यूरो 60 सेंट है वन वे का, तो टू वे का 6 यूरो 6 डॉलर। ये इस तरह का नज़ारा है, कुछ बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। इंडियन हवा चल रही है और जो है कि मज़ेदार व्यू है। आपको ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए अगर आप क्रोएशिया आ रहे हो, खास करके सिबेनिक जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर आप देखें और मज़ा लें। मेरे को मन करा डुबकी मारने गया मगर मेरे को स्विमिंग आता नहीं है। अभी अगर लाइव ब्रेकिंग मिलेगा तो हो सकता है कि मैं एक बार उसमें छलांग लगा दूँ। पूरा एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है, पूरा एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है। सिबेनिक से अगर आप फेरी लेंगे तो सिबेनिक से फेरी पहले आपको 3 स्टॉप तक लेके जाएंगी, चौथा स्टॉप होगा वो होगा वोडिस का। 3 स्टॉप दूसरे आइलैंड्स का है, चौथा स्टॉप जो है वो है वोडिस आइलैंड का। वैसे तो बहुत कुछ और भी है देखने के लिए वोडिस में, बट मैं इस वक्त हूँ कंज्यूम सुपरमार्केट के सामने, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ सामान हमारे दोस्त लोग ले रहे हैं। और यही है कि नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर आप क्रोएशिया में हैं और जो है कि सिबेनिक के आसपास में हैं तो मैं तो कहता हूँ ज़रूर आएँ, या चाहे आप ज़ग्रेब में क्यों ना हो, आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें चीज़ों को। आपके अगर कोई फ्रेंड वगैरह सिबेनिक के आसपास में है तो आप ये लोकेशन ज़रूर आएँ। ये छोटा सा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। जब भी आप वोडिस आओगे तो वोडिस आने के टाइम में ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा चीज़ कैरी करनी है, भले आप कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे देखो ऐसा कंज्यूम सुपरमार्केट अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। बट ये ध्यान रखें कोई फेस्टिवल स्पेशल फेस्टिवल यहाँ का रहेगा ना तो मे भी ये क्लोज रहेगा, बट इसके अलावा क्लोज नहीं रहेगा। यहाँ शायद जो है ना इधर देखो नेशनल का बुकिंग हो सकता है, निक ट्रैवल एजेंसी। ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, मे बी नाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर लाइन से क्रूज रखे हम लोग जा रहे हैं बीच एरिया में। ऐसा अगर बोट आपको रेंट करना है तो इधर नंबर वगैरह दिया है, ऐसा वाला फ्लिक्स बस है, फ्लिक्स बस ये लगता है इधर घुमा के लिए। पुलिस बस भी लेके आ रही है ना, पूरा बाई रोड भी है इधर। पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है देख रहे हो,
ये सारे बोट जो है ना पूरा रेंट वाला ही है। जब भी बीच में आओगे तो अपना बेडशीट वगैरह लेके आने का, आराम से बैठने के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्लेस का नाम है वोडिस और इस बीच का नाम है ओलंपिया बीच। बीच काफ़ी बड़ा है, उधर से देखो, उधर से स्टार्टिंग है और यहाँ से एकदम पूरा देख रहे हो, बहुत ही बड़ा बीच है। और हमेशा याद रखे, मैं तो खाली अंडरवेयर पहन के ना रहा हूँ, आप लोग अच्छा से शॉर्ट लेके आए। पानी काफी क्रिस्टल क्लियर है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, एकदम गार्डन का। हां हां, सबसे अच्छा है वाला बीच है ये, ओलंपिया बीच इसका नाम। हां हां, ओलंपिया बीच। बच्चे लोग भी मेरे साथ पूरा मजा कर रहे हैं। हां हां, भाई लोग आने का है, जब भी आप ट्रेनिंग करा पाओ, ठीक है? हां, उधर भी जाके दिखाएगा आपको पूरा पीछे का। खाली बॉडी बनाना पड़ेगा, बॉडी बनने का सिक्स सेप्स आएगा तो अच्छा रहेगा, अभी नहीं है। खाना खा चुके हैं, एकदम फर्स्ट क्लास पेट भरा हुआ है। अभी जाएंगे दोबारा बीच में, ये हमारा बैग वगैरह रखा है। तो इस तरीके से जो है ना प्लेटफॉर्म भी होते, देखो प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म और भी आगे रहेगा तो किस लगा दी यहाँ से सर्विस है, जो भी आपको वाटर एक्टिविटी करना है इसके लिए ना प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एक्टिविटी करने के लिए, आपकी मर्जी है। मजे कर रहे हैं, पे कर सकते हैं, पे की पानी बहुत ठंडा है यहाँ, बहुत ठंडा पानी। समय आ चुका है बाय बोलने का, हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। पहले जाएंगे तो जहाँ से बोट लिया, क्रूज लिया था वहाँ जा रहे हैं पहले, फिर वहाँ से जाने के बाद अपने रूम तरफ जाएंगे। यहाँ पे है ना एक्सचेंज आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के मतलब जो है ना हर जगह से लोग आते हैं उस बीच का मज़ा लेने के लिए। इसके अलावा करगा पार्क का भी बहुत ज़्यादा हेड है यहाँ पर हर जगह, तो जब आप आओगे तो आपको दिखेगा ऐड है ना, ऐड वो आपको दिखेगा, नंबर लिखा होगा और उसके बाद आपकी मर्जी है किस तरह से। देखो आइसक्रीम वगैरह लगे, गर्मी का मौसम है ना इसलिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बोट के लोकेशन में हम लोग, पूरा उधर से देख रहे हो उस तरफ से बिल्डिंग देखो सर, उधर से वॉक करते 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 ऐसे करके फिर यहाँ पर आए। ये होगा तुम्हारा बोट लोकेशन, ये बोट खड़ी है ना, इससे हम लोग वापस जाएंगे। तो बस आपको ध्यान देना है आपको कहाँ वापस आना है बस। फाइनली क्रूज के ऊपर आ चुके हैं और ये अपना जो है ओलंपिया बीच इधर साइड। आ गया, जल्दी आ गया, गया तो साला बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि से लोग टाइम तो बहुत करते हैं, 6 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे ही क्रूज रेडी हो चुका है। ये सब जो है ना आइलैंड्स है, मुझे पता नहीं है कौन सा एक्चुअली आइलैंड्स है क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट ये पता है कि सिबेनिक से इस क्रूज का टिकट मिलता है और आपको वहाँ से नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। बस सिबेनी पहुंचने वाले हैं लास्ट स्टॉप। आओ
मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे दो दोस्त मिले। Where are you from? Your country, country. What's up? Yeah. Croatia, Zlari. Ah, Croatia. You? Yeah. India. Oh, India. Yeah. Nice, nice. Nice, man. तो ये दो लोग मिल गए लोकल में। मैंने कहा कि इन्होंने पूरा खत्म कर दिया ड्रिंक। यू कैन पूरा खत्म कर दे। इन्होंने इतना पिया। एंजॉय, फुल एंजॉय। ओके, एंजॉय यू टू। थैंक यू। हां, थैंक यू ब्रो। सी यू। पीने से पहले को पता नहीं है, बट पीने के बाद अक्सर जो लोग हैं ना यहाँ पे ज़्यादा ही बात करते हैं। वो तो देखा ना, पूरा का पूरा उन्होंने सब ख़त्म कर दिया, इतना पिया उन्होंने। ठीक है, चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। टिकट मैंने ले लिया सिबेनिक से ज़ग्रेब का, और नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ पर शाम का, देख रहे हो। कई मेरे वीडियो में ना शायद साउंड सही नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा साउंड था वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो फिल्टर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। चलो फिर चलते हैं अपने रूम की तरफ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।